जो थे, जो इनके दोस्त थे, वो इनसे 2 वर्ष छोटे और इनके सगीरे थे और सिकंदराबाद रहने वाले थे। और ये जो पहला खत था वो उन्होंने लिखा था गालिब ने उनको, और गालिब ने जो है वो उनको जो है वो कुछ इस तरह से ये जो खत लिखा था कि अल्लाह हम तो जो है ये हम तो कोल से तुम्हारे खत के आने के मुंतज़िर थे, यानी वो बता रहे हैं कि हम तो आपके खत के आने के मुंतज़िर थे लेकिन आपका खत जो है वो हमें नहीं मिला, और अपने ख्यालात का उन्होंने इस खत में इजहार किया। उसके बाद जो है वो दूसरा जो खत है वो भी गालिब ने अपने एक दोस्त को लिखा था, और ये जो इनके दोस्त थे मीर मेहंदी हुसैन, ये दोस्त थे, और ये जो दोस्त थे ये तीसरा खत जो है उन्होंने अपने इस दोस्त को लिखा था। और इस खत में उन्होंने अपने दोस्त को कहा था, ये उनके दोस्त जो थे पानीपत चले गए थे और इंतहाई करीबी दोस्त थे, उनके साथ भी उन्होंने अपने ज़ाती हवाल के बारे में बताते हैं कि मेरे पास तुम्हारे खत तहरीर करने के लिए ना कागज़ दस्तियाब थे, यानी गालिब अपने दोस्त को लिख रहे हैं, ना ही खत भेजने के लिए मेरे पास टिकट थी, चनाचा पुराने लफाफों में से एक लफाफा मेरे पास बगैर टिकट पड़ा था, इसलिए गालिब मैं किताब में से मैंने एक कागज़ फाड़ा और तुम्हें खत लिख रहा हूँ और बगैर टिकट के लफाफे में बंद करके भेजता हूँ। यानी कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि गालिब जो थे वो खत टिकट के बगैर भेजे। तो वो कह रहे हैं कि गमज़दा मत होना, कल शाम को मेरे पास रकम आ जाएगी और इसलिए आज ही जो है वो कागज़ और टिकट वगैरह मंगवा लूँगा और तुम इस वजह से परेशान मत होना। उसके बाद ये जो खत है उसमें उन्होंने अपने दोस्त को जो है वो बताया है उस मतलब जो दिल्ली की सूरत हाल थी उसके बारे में भी आगाह किया है अपने दोस्त को, और उन्होंने बताया है कि शहर को दिल्ली को जो शहर है वो ताज़ा तरीन हालात से आगाह कर रहे हैं। गालिब बताते हैं कि शहर के हालात से मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर घर में रहता हूँ, मसरूफ़ रहता हूँ, अगर शहर में कोई वाकया रुनमा होता है तो दोस्त अहबाब के ज़रिए जो है वो मुझे उसके बारे में पता चल जाता है। अंग्रेज़ हुकूमत में शहर में रोज़मर्रा के इस्तेमाल की तमाम अशिया पर जो है वो टैक्स लगा चुकी है, गले और सूखे हुए गोबर के अलावा बाकी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की तमाम चीज़ें जो हैं उन पर टैक्स लगा हुआ है, यानी हर चीज़ पर टैक्स लिया जा रहा है। और जो है उनको सूरत हाल जो शहर की वो मज़ीद सूरत हाल उससे आगाह किया जा रहा है। तो ये आप लोगों का आप लोगों की स्टोरी थी, इसके आप लोगों ने नसर पारे कर लेने हैं और साथ आप लोगों ने ये जो इंट्रो है इसके एमसीक्यूज़ कर लेने हैं। ओके, खुदा हाफिज़।